सिरल सावी की सवारी में नित्यम अपनी मॉम को एक रिंग गिफ्ट करता है, लेकिन उसकी मॉम अचानक से रिंग गिफ्ट में देखकर होती है हैरान, जिस पर नित्यम कहता है कि अचानक से आप पर प्यार आ गया तो सोचा आपको रिंग गिफ्ट कर दूं। अचानक से मुझे आपके पर बहुत प्यार आया तो मैंने सोचा कि आपको ये रिंग गिफ्ट करूं। और इस बात को इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है, रख लीजिए। इस पर नित्यम की मॉम उसे कहती है कि ये रिंग तो अच्छी है लेकिन मेरी उम्र के हिसाब से ज्यादा स्टाइलिश है। मॉम की इसी बात पर नित्यम नाराज हो जाता है और उसे बोलता है कि अगर रिंग पसंद नहीं आई हो तो उसे फेंक दे। देखिए मॉम, मैं आपके लिए बहुत प्यार से, और वैसे आप अभी तक इतनी भी बुढ़िया नहीं हुई है कि लेटेस्ट डिजाइन की रिंग ना पहन सके, पर हाँ अगर आपको ये पसंद नहीं आई तो कोई फेंक दीजिए। वहीं कहानी में आता है ट्विस्ट जब वहाँ सावी की माँ पहुंच जाती है और वो आते ही नित्यम पर बरसने लगती है। नित्यम दालमिया, माँ नहीं सावी की माँ। अच्छा तुम मुझे इस घर में मिले, नहीं तो आज दुनिया के किसी भी कोने से मैं तुम्हें ढूंढ निकालती। क्या सब ठीक? कुछ ठीक नहीं है नित्यम, तूने चाप मेरे बेटी के नहीं है। दरअसल सावी का जिस तरीके से नित्यम ने दिल तोड़ा है उसे लेकर सावी की माँ है बेहद नाराज। मस्ती में रहने वाली सावी के साथ तूने शादी तो की लेकिन उसकी जिंदगी खोखली बना दी तूने। उसके चेहरे की मुस्कान उसकी पहचान थी लेकिन तूने तो उसकी मुस्कान ही छीन ली। मेरी बेटी मुस्कुराना भी भूल गई है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन मेरी बेटी सावी, सावी ने कभी हिम्मत नहीं हारी, डट के खड़ी रही, हमें हिम्मत दी और सब परेशानियों में से हमें बाहर निकाला। और तूने, तूने तो उसकी हिम्मत ही छीन ली, खुद को संभालने की हिम्मत भी नहीं बची है मेरी बेटी में। वहीं सावी की मॉम नित्यम की मॉम से हाथ जोड़कर माफी मांगती है ये कहते हुए कि मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ नित्यम के लिए आई हूँ। जो भी कहोगे उसके लिए मुझे माफ कीजिए, मेरा यकीन मानिए आपके खिलाफ मेरे मन में कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे मन में जो दर्द है, जो मैं महसूस कर रही हूं वो सिर्फ एक और एक इंसान की वजह से है जो मेरे सामने इधर खड़ा है। और नित्यम ने जो कुछ भी मेरी सावी के साथ किया है वो माफ करने के लायक नहीं है। हर खुशी मिलेगी जिसकी वो हकदार है। उसके बाद मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी जो तुमने मेरी लड़की को दुख दिया है। और मैं यहाँ जो कुछ भी बोलूंगी उसे आपका दिल दुखेगा, इसलिए पहले से ही माफी मांगती हूँ। सावी की मॉम नित्यम को खूब खरी खोटी सुनाती है और फिर जाते जाते कहती है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरी बेटी की खुशियां वापस आ जाएं। एक बात याद रखना, मेरी बेटी की जिंदगी में आने वाली खुशियां ही तुम्हारी माफी का जरिया बन सकती है, समझे? सो एक सीन है जहाँ क्योंकि अभी नित्यम और सावी जो है दोनों अलग हो गए हैं और नित्यम का दिल टूटा हुआ है। उसके बाद वो जब उसको पता चलता है, क्योंकि सोनम उनको एक पिक्चर भेजती है जहाँ पे दिखाई देता है कि सावी और मानव का मे भी शादी होने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सावी नहा कर दी और सावी एक टू टाइमर है, सावी को मैंने बहुत भला बुरा सुना दिया। उसके बाद हम लोग, माँ ने मुझे रिक्वेस्ट किया तो मैंने घर चला जाता हूँ मैं सावी को, सावी की पूरी फैमिली को कंग्रेचुलेशंस करने के लिए, बधाई देने के लिए। कहीं ना कहीं सावी वहाँ
गुस्सा आता है और वो मानव से शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन उसके बाद सावी जो है बहुत पैनिक है, बहुत परेशान है, क्योंकि ऑफकोर्स वो नित्यम से प्यार करती है और नित्यम भी उससे प्यार करता है, लेकिन नित्यम कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल है और क्या कर सकता है। ये तो पहली बार नूतन जी, सावी की मम्मी, वो घर पे आती हैं, वो चिल्लाती हैं, नित्यम दालमिया को डांटती हैं, जो एक माँ का फ़र्ज़ है। मुझे लगता है अगर कोई भी माँ होगी उसकी बेटी के साथ इतना गलत हुआ होगा, कि कुछ भी है, सावी ने कभी कुछ गलत नहीं किया, मैं उन्हें प्यार नहीं दे पाया, नित्यम ने शादी तो की लेकिन निभा नहीं पाया, तो वो आके अपनी जितना भी गुस्सा है वो पूरा बस्ट आउट करती हैं कि तुम्हारी वजह से आज सावी की ये हालत है, और अगर कभी ज़िंदगी में मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊँगी तो जब वो खुश होगी। और नित्यम का दिल भी टूट चुका है, क्योंकि सावी नहीं मिली, पूरा प्रपोज़ल सेटअप तैयार किया था, सारी तैयारियाँ की थी, लास्ट में मुझे एविडेंस मिला, उसके पीछे क्या कहानी है। तो ये इस शो का अभी तक का टर्निंग पॉइंट है, और यहाँ देखना ये है कि अब क्या सावी और नित्यम कैसे एक होंगे, और ये कहानी कहाँ जाती है। वहीं सावी मानव से प्यार तो नहीं करती है, तो बहुत कमाल का ट्रैक है।